ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिकॉज आफ्टर एक्लिप्स एंड फुल मून जो भी एनर्जीज रही और जो अपडेट मैंने आपको दिया, बहुत से लोगों के साथ वो रेजोनेट भी किया। कमेंट्स में बहुत से ऐसे कमेंट्स भी मुझे पढ़ने को मिले जिन्हें सुन के मुझे बहुत हर्ट भी हुआ। कल के ही वीडियो में एक फेमिनाइन का कमेंट मैंने पढ़ा, बहुत पेन में थी वो, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रही थी, बिकॉज उनके जो DM हैं उसकी मैरिज किसी और के साथ हो गई थी एंड शी वॉज इन डीप पेन। आई कैन फील हर पेन, उसका पेन मैं फील भी कर पा रही थी। तो इसी के रिगार्डिंग एक वीडियो मैं आप लोगों को एज अ गाइडेंस दे रही हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ हो। बिकॉज मेरे पास पास्ट 10 days में ऐसे बहुत से सेशंस भी आए हैं पर्सनल, जिनमें यही सब हुआ फेमिनाइंस के साथ, कि वो ऑलरेडी अवेकन हैं फेमिनाइंस, बट उनके जो मैस्कुलाइंस हैं उनकी शादी कहीं और हो गई अचानक से। तो वो बहुत ज़्यादा पेन्स में थी फेमिनाइंस, और उन्होंने पर्सनल सेशन भी लिए इसके रिगार्डिंग कि क्यों हुआ ऐसा, कि हम तो ऑलरेडी अवेकन हैं इस जर्नी के रिगार्डिंग, तो फिर क्यों हमारे साथ इस तरह की ट्रेजेडी हो गई मैम, और बहुत ज़्यादा पेन से वो लोग गुजर रही थी। तो इसी के रिगार्डिंग एक गाइडेंस दे रही हूँ मैं आप लोगों को। हो सकता है और भी ऐसी बहुत से फेमिनाइंस हों या लोग हों जिनके साथ ये सब हुआ हो, तो उनके लिए भी ये वीडियो एज अ गाइडेंस काम करेगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी दोस्तों, कि अगर आप लोग ऑलरेडी अवेकन हो चुके हैं और उसके बाद भी आपके जो पार्टनर है उसकी मैरिज कहीं और हो गई है, ठीक है, ऑब्वियसली सोल शॉक वाली सिचुएशन दोबारा से आ जाती है हमारी लाइफ में, बिकॉज हम किसी के लिए इनर वर्क कर रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं, बट उस पर्सन की मैरिज ही कहीं और हो गई, तो हमें ये लगता है कि हमारा तो बस पर्पस ही ख़त्म हो गया इस जर्नी का। बट सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर करना होगा कि जो पर्सन किसी और के साथ मैरिज हो गई है, जिसकी जिसको आप अपना ट्विन मानकर उसके लिए इनर वर्क कर रहे थे, क्या वो आपका रियल ट्विन था? बिकॉज ये जो पोर्टल हमारा गया है, कार्मिक्स बहुत ज़्यादा हैवी, उनकी कार्मिक्स की रिलीजिंग हुई है इस टाइम पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी कार्मिक्स थे जो हमारे, हैवी कर्मा थे हमारे, वो रिलीजिंग का टाइम चल रहा था। तो आपको क्या पूरी श्योरिटी है कि वो पर्सन आपका ट्विन ही था या फिर कोई कार्मिक था जो आपकी लाइफ से रिलीज हो गया है? सबसे पहले तो आपको यही क्लैरिटी लानी होगी अपने माइंड में कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ से गया है, क्या वही आपका ट्विन था या कोई कार्मिक तो नहीं था, सोलमेट कार्मिक तो नहीं था जो आपकी लाइफ से रिलीज हो गया हो? बिकॉज ये जो टाइम चल रहा था, कर्मा रिलीजिंग बहुत ज़्यादा हुई है इस टाइम में, फेमिनाइंस की भी और मैस्कुलाइंस की भी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये श्योर करना होगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि वही पर्सन आपका ट्विन है, ठीक है, और आप तो अवेकन थे ऑलरेडी, तो उसकी शादी कहीं और कैसे हो गई? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि ट्विन जर्नी जब आपको समझ आती है, जब आप अवेकन होते हैं, सबसे पहले अपनी जर्नी को हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। जब हम अपनी जर्नी को डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, तो डिवाइन उसके बाद जो भी हमारे साथ करते हैं, जो भी इवेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं, वो सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होते हैं, ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं। हमारी जो जर्नी होती है डिवाइन के द्वारा
गाइडेड होती हैं। जो हमारे लिए बेटर है वही हमारे साथ होगा। अगर आपका ट्विन भी है वो, तो भी उसकी अगर किसी और के साथ मैरिज हो गई है, तो हो सकता है उसके कर्मा थे वहाँ, उसको रिलीज करने थे वहाँ पे, इसलिए उसकी मैरिज हुई है उसके उस पर किसी और पर्सन के साथ। तो इसमें सबसे पहले तो आप ट्विन जर्नी को मैरिज से रिलेट करना छोड़ दें, स्पिरिचुअल जर्नी की तरह इसको एक्सेप्ट करें। जब हम एक ट्विन जर्नी में आ जाते हैं तो हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। हमारी जर्नी डिवाइन तक जाने की है, हमारी सोल का अदर हाफ हमारे पास ही आएगा, वो हमारा है, हमारा ही रहेगा। आप इसको सोल जर्नी की तरह लीजिए। बहुत से ऐसे मैरिड कपल्स हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ हैं, ठीक है, उसके बाद उनको ट्विन जर्नी का पता चलता है, फिर भी वो इनर वर्क करते हैं क्योंकि उनको उनकी सोल का कंप्लीशन चाहिए, वो पीस चाहिए जो डिवाइन में मर्ज होने वाली होती है। वो समझ चुके होते हैं कि ये जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। 3D रियलिटी से इसको अलग कीजिए। शादी, फेरे लेना, मंगलसूत्र, ये सब चीज़ें 3D हैं। आप एक सोल जर्नी में हैं, ठीक है। आप इसको एज अ सोल जर्नी जब लेकर चलते हैं, तब आपको जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो मिरेकुलस होते हैं। आपकी लाइफ में बहुत से मिरेकल्स होते हैं। डिवाइन किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करते हैं, जस्टिस सबके साथ होगा। आप वही डिजर्व जो करते हैं, आपको वही मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने माइंड में ये क्लैरिटी लानी है कि जो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है, किसी और का हो गया है, तो कहीं वो आपका कार्मिक तो नहीं था, कोई ऐसा कर्मा तो नहीं था जो हैवी कर्मा था, आपको ट्विन वाली वाइब आती हो उससे, ठीक है। तो हो सकता है आपका कोई कार्मिक था जो रिलीज हुआ है, बिकॉज ये टाइम जो था हैवी कर्मा रिलीजिंग का टाइम था। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी लाएं अपने माइंड में, और उसके बाद फिर भी अगर आपकी सोल आपको ये कह रही है कि वही पर्सन आपका ट्विन है, बिकॉज सोल जो हमें गाइड करती है वो गाइडेंस हमेशा डिवाइन की गाइडेंस होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर कहीं से कंफर्म करने के बजाय अपनी सोल से पूछिए। आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल आपको बताएगी कि सामने वाला पर्सन आपका रियल ट्विन है या नहीं है। तो हमेशा अपनी सोल की सुनिए, और अगर आपकी सोल ये कह रही है कि वो पर्सन आपका ट्विन है, तो आप अपने इनर वर्क पर ही फोकस रहिए। इस जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी की तरह ही पूरा कीजिए, इस पर चलिए, बिकॉज जो उसके बाद यूनिवर्स ने आपके लिए रखा हुआ है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा भी बहुत देखने को मिलता है कि आपके पर्सन की कहीं और मैरिज हो गई है, लेकिन आप इनर वर्क कर रहे हो, उसके बाद भी हो सकता है वो थर्ड पार्टी से निकल के आपके पास आए, कुछ ऐसा लिखा हो। क्योंकि ये जो जर्नी है सबकी एक जैसी नहीं होती है, सबकी जर्नी डिफरेंट होती है। जर्नी का जो पैटर्न है वो सेम है सभी के लिए, ट्विन जर्नी का, बट जो जर्नी है सबकी डिफरेंट होती है। तो आप लोगों को समझना होगा कि आपकी जर्नी किस तरह चल रही है, आपको इसको कैसे, इसका चार्ज लेना है अपने हाथ में, अपनी जर्नी का। आपको डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट होना है, ये स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, आपको स्पिरिचुअल होना है। अगर आप अभी भी 3D पर्सन पे अटके हैं, DM की तो कहीं और मैरिज होगी, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया मैम, ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत पेन होता है, ठीक है। आप किसी को अपना सोल का अदर हाफ मानते हो और उसके लिए इतना इनर वर्क कर रहे हो, उसके बाद ऐसा हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है आपको। कई लोगों का डिवाइन से ट्रस्ट उड़ जाता है,
कि ऐसा कैसे हो गया कि जब मैं ऑलरेडी अवेकन हो चुकी हूँ तो मेरे पर्सन किसी और का कैसे हो गया। तो कभी भी डिवाइन को पहले तो क्वेश्चन नहीं करें, बिकॉज जो जर्नी आपको मिली है ये एक ब्लेसिंग है। आप का जो पूरा का पूरा लाइफ है वो 360 डिग्री चेंज हो जाता है, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए, खुद को डिवाइन को सरेंडर करके एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए। एक्सेप्ट कीजिए जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं डिवाइनली गाइडेड है, इसमें आपके ही कुछ बेटरमेंट है। सीखिए इससे आपको क्या समझ आ रहा है, क्या लेसन मिल रहा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो जर्नी का होता है आपकी सोल ने खुद साइन किया हुआ है, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा कि यस हमने खुद चूज की है इसी तरह से ये जर्नी। सोल्स जो आपकी है वो आपकी ही रहेगी, वो कभी किसी और की हो ही नहीं सकती। पजल गेम देखी है आप लोगों ने, उसका जो पार्ट जहाँ से मिसिंग है वो वहीं पर फिट होगा, कहीं और हो ही नहीं सकता। इसी तरह से आपकी सोल का जो अदर हाफ है वो आपके साथ ही कंप्लीशन फील करेगा, कहीं और कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो पहले ये इनसिक्योरिटीज़ अपने अंदर से निकाल कर अपने आप को मोटिवेट करें, इसे एज अ स्पिरिचुअल जर्नी लें। अगर आप किसी लालच से इनर वर्क कर रहे हैं कि मेरा पर्सन मेरा हो जाएगा, उससे शादी हो जाएगी, तो आप गलत हैं। यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, इस जर्नी को समझ ही नहीं पाए अभी तक, बिकॉज ये जर्नी तो स्पिरिचुअल जर्नी है, डिवाइन तक जाने की जर्नी है, सोल मर्जिंग की जर्नी है। आपकी सोल को जो कंप्लीशन करना है और जो सोल पर्पस के लिए आप इस लाइफ में आए हैं वो सब कुछ समझना है आपको। 3D रियलिटी से ऊपर उठिए और अपने आप को मोटिवेट कीजिए। ये जो सोल शॉक वाली सिचुएशन आप लोगों को दोबारा से मिली है, हो सकता है ये इसीलिए दी गई है कि शायद आप अभी तक इस जर्नी को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो जागना है आपको, सोना नहीं है। अवेकनिंग मतलब आपकी सोल अब जाग जाए, जाग उसको जगाना है, उसको डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है। 3D रियलिटी से ऊपर उठना स्टार्ट कीजिए। तो जो भी फेमिनाइज इस पेन से गुजर रही हैं, ये जस्ट एक मोटिवेशन वीडियो मैंने उनके लिए अपलोड किया है, उनको गाइड करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन में चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा खुद को डाउन कर लेती हैं वो। उनको ऐसा लगता है कि शायद ये जर्नी होती ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, इस तरह से वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हैं। और कुछ फेमिनाइंस इतनी ज़्यादा पेन में होती हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं उनके माइंड में कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हमको भी ख़त्म कर लेना है खुद को। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से ऑपरेट नहीं करना है। जब आप अवेकन हो चुके हैं, आपको पता है कि कोई जर्नी है, तो अगर आपको दोबारा से ये सोल शॉक मिला है तो आपको अब ये समझना है कि डिवाइन ने शायद दोबारा से इसीलिए हमें इतना ज़्यादा हिला के रख दिया है कि शायद हम पहले इस जर्नी को समझ ही नहीं पाए थे। ठीक है, तो इस जर्नी को अच्छे से समझें पहले तो, और अपने अपने इंट्यूशन से पूछिए, अपने सोल से पूछिए कि कहीं पर्सन आपका कार्मिक तो नहीं था जो रिलीज हुआ और जिसे आप अपना ट्विन मान रहे थे। तो ये सब क्लैरिटी आप लोगों को इनर वर्क से मिलेगी। आप इनर वर्क पर फोकस कीजिए। ठीक है, देखिए इनर वर्क का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप अगर एक पर्सन के लिए इनर वर्क कर रहे हैं कि वो पर्सन मेरा हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको इनर वर्क का कुछ भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आप एक पर्सन पे अटके हो। देखिए ये जर्नी है अपनी सोल को फ्रीडम में लाने की। आप बंधनों में बांध के अगर इनर वर्क करेंगे खुद को कि वो पर्सन चाहिए इसलिए इनर वर्क करना है, तो कभी भी आपको उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा।
आपको इनर वर्क करना है कि मुझे डिवाइन के साथ मर्ज होना है, उसके बाद डिवाइन जो भी मुझे देंगे मुझे सब कुछ एक्सेप्ट है। जब आप इस स्टेट पे आ जाते हैं तब अगर आपका रियल ट्विन है वो पर्सन आपकी लाइफ में तभी एंटर करता है। पहले अपनी सोल को प्योर फॉर्म में लाना होगा आपको। तो थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो, बट ज़रूरी था ये गाइडेंस, बिकॉज जो पेन मैं फील कर पा रही हूँ वो मैं समझ रही हूँ कि ये सिचुएशन ऐसी होती है कि पर्सन को सब कुछ एंड लगता है अपनी लाइफ में, तो उनको गाइडेंस देना ज़रूरी था। बहुत से लोगों के काम आएगी ये गाइडेंस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मोटिवेट रहें अपनी इस जर्नी के लिए, डिवाइन के लिए मोटिवेट रहें। आपको डिवाइन के साथ मर्ज होना है, वहीं से आपको कंप्लीशन मिलती है। सबसे पहले आपके रियल ट्विन आपके डिवाइन ही हैं, यूनिवर्स है हमारा रियल ट्विन। जब आप डिवाइन के साथ मर्ज हो जाते हैं आपकी सोल इतनी ज़्यादा कंप्लीशन में आती है, इतनी पीस में आ जाती है। तो अपने आप को स्टेज तक लाइए, मोटिवेट कीजिए खुद को, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।